यह हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति थी। अब अतिथियों का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा बाल स्वरूप राही के इस मुस्तक के साथ कि मन बहुत अनमना है चले आइए, गीत की प्रार्थना है चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है चले आइए। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आप सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी जी का। सभी छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है, कार्यक्रम बहुत देर नहीं चलेगा, जलपान करके बेटा जाइए। आप लोगों ने बहुत अनुशासन से सहयोग दिया है, 10-15 मिनट और बैठे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर समासीन आज के कार्यक्रम के परम सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे महाविद्यालय के उपप्रबंधक जी अर्थात आदरणीय श्री पूर्णांशु ओझा जी, पूर्व प्रमुख गौरव राग, उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें, वंदन करें। व्यस्ततम क्षणों से एक पल हम लोगों के लिए भी दिया, जबकि हम लोग आज जान रहे थे बाहर से अतिथि आए हुए थे, आपका शुभागमन हुआ तो विद्यार्थियों को आशीर्वाद मिला। SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के निदेशक आदरणीय डॉक्टर संदीप मिश्र जी, जिनकी असाधारण क्षमता से हम सभी लोग वाकिफ हैं, एक अपराजेय व्यक्तित्व हमारे संस्थान को मिला है, आदरणीय मिश्र के लिए भी जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें। असाध्य कार्य को भी आप साध्य कर देते हैं और इस महाविद्यालय के परम सम्मानित यशस्वी प्राचार्य परम आत्मीय डॉक्टर अमित कुमार मिश्र जी, अमित कुमार सिंह जी, जिनके कारण ही आयोजन हो पाया। ईमानदारी से कहूं तो 28 तारीख से 6 मार्च तक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम था। सर से मैंने निवेदन किया तो कहा परीक्षाएं हैं, 10 को मतगणना है, लेकिन हम लोगों ने जब निवेदन किया, बच्चों का आग्रह देखा, तो हमारे परम आदरणीय शुभचिंतक पूरे महाविद्यालय के आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी ने 9 तारीख को स्वीकृति दी। आपकी स्वीकृति के लिए सभी विद्यार्थियों की तरफ से जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। ये कार्यक्रम का तीसरा पड़ाव था। सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षा संकाय की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, उसके बाद विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी और ये जो आयोजन है इसके मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत माननीय जी की एक चिंता थी कि नैक के मूल्यांकन में अथवा ये महाविद्यालय विविध क्षेत्रों में तमाम ख्याति अर्जित कर चुका है, लेकिन कहीं न कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत कमी है। इस चीज को हमारे संस्थान के निदेशक और प्राचार्य जी ने बड़ी गंभीरता से लिया और हम लोगों को निर्देशित किया कि सभी संकायों में आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसके बाद सभी संकायों के जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका एक पूल तैयार करके पूरे महाविद्यालय की तरफ से वार्षिक उत्सव मनाया जाए। तो हमारे निदेशक जी और प्राचार्य जी का जो भी ये निर्णय था, हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे विद्यार्थियों ने आज बहुत जोरदार प्रस्तुति दी है, उनको मैं मंच से साधुवाद देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम, इसका संयोजन अकेले मेरे बस का नहीं था, इसका सही सही बताएं तो पूरा कला संकाय और पुस्तकालय विभाग लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के हर सदस्यों ने अपना अपना योग दिया है, तब ये कार्यक्रम तैयार हुआ। बंधुओं, बड़ी अच्छी तैयारी थी, लेकिन बीच में बाधा हुई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मात्र 2 दिन के अवकाश में आप लोगों ने जो भी प्रस्तुति दी है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में आदरणीय रुबिता जी, मनीष जी, राजेश जी,
जिन्होंने मुझे निश्चिंत रखा, लाइब्रेरी का कार्य करते हुए भी छात्र छात्राओं का नियमित अभ्यास कराते रहे, उनको भी मंच से मैं साधुवाद देता हूँ। तथा अपने संकाय की जितनी भी प्राध्यापिकाएं हैं, अनीता त्रिपाठी जी, संगीता पाल जी, सुचित्रा पटेल जी, डॉक्टर रजनी जी, सावित्री जी, जितनी भी प्राध्यापिकाएं हैं जिनका मैं नहीं नाम ले रहा हूं, बड़ा जबरदस्त सहयोग रहा, सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। तथा अगर श्रीयुक्त प्रकाश सिंह जी और दुर्गेश जी विश्वकर्मा इतने मनोयोग से न लगे होते तो शायद ये कार्यक्रम हम न करा पाते महाविद्यालय में। इन दोनों बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तथा शैलेंद्र जी त्रिपाठी अध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग, मनोज तिवारी अध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, तथा हमारे कला संकाय के प्रत्येक प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करके मैं बैठ रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम हुआ है हम सभी लोगों ने महसूस किया है। पूरे महाविद्यालय की तरफ से परम सम्मानित उप प्रबंधक जी से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप एक आशीर्वाद मन से जरूर दें। जब आगामी कार्यक्रम हो तो ध्वनि व्यवस्था सकलांग हो, दिव्यांग ना हो, इस आशीर्वाद की अपेक्षा मैं करता हूँ। चाय करके भी हमारे इस महाविद्यालय के तमाम प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, जिनसे मेरे अत्यंत करीबी संबंध हैं, एक ही जगह हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनको मैं बुला नहीं पाया क्योंकि स्थलाभाव है। भविष्य में ऐसे ऑडिटोरियम का निर्माण हो जो विश्वविद्यालयी स्तर का हो, नैक के मूल्यांकन में भी वो बढ़िया रहेगा, और हमारे महाविद्यालय की जो स्थिति है, पूरे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में ये सबसे बड़ा कॉलेज है, जहां डेढ़ दर्जन से भी अधिक पदक मिलते हैं विश्वविद्यालय में, कुलाधिपत पदक मिलता है, तो ऐसे महाविद्यालय के लिए इन चीजों की अब आवश्यकता महसूस की जा रही है। विद्यार्थियों को मैं आशीर्वाद देता हूं, संसार के सारे पदार्थ आपके सामने हैं, परोस करके थाली में रखे गए हैं, दम हो तो आप लोग ले लीजिए, एक ही चीज है, श्रम करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक युक्ति बड़ी जोरदार कही है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही कर्महीन। अगर हम परिश्रम करें तो यकीन मान लीजिए, जो आजादी का ये अमृत महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, आज भारत अपनी स्थिति को देखे तो हम अपने प्राचीन अतीत काल को देख करके उस पर ज्यादा गुमान करते थे जब भारत विश्वगुरु था और सोने की चिड़िया के रूप में प्रख्यात था। आज विश्व के सामने तमाम चुनौतियां हैं, यूक्रेन और सोवियत संघ के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, विश्व युद्ध होने के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे में हमारी नई पीढ़ियां जो हिंदुस्तान के नवोन्मेष हैं, उनको सचेत रहना होगा और एक पॉजिटिव दिशा में जब ऊर्जा लगाएंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। अत्यल्प अवधि में आपके द्वारा किया गया ये प्रयास ये चीज के लिए विश्वास दिलाता है कि हमारा भारत सुरक्षित नौजवानों के हाथों में है, सुरक्षित नौजवानों के हाथों में है। चीन भी थर्रा रहा है, मौजों के सहारे चलकर ही तूफान की रवानी चलती है, इतिहास बदल जाता है किशोर जवानी चलती है, इतिहास बदल जाता है किशोर जवानी चलती है। अंत में दो वाक्य, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कार्यक्रम में चाहते हुए नहीं करवा पाया, एक लड़का गिटार लेके आया था सुबह से ही, और कई ऐसे विद्यार्थी हैं वार्षिक उत्सव में उनका प्रतिनिधित्व होगा, ये विश्वास मैं दिला रहा हूँ। और आगामी वक्ता के रूप में आशीर्वाद देने के लिए हम अपने SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर परम आदरणीय डॉक्टर संदीप मिश्र जी को आहूत करता हूँ, जो अपनी अपराजेय शक्ति के लिए जाने जाते हैं, कौन सो काज कठिन जगमाही के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी का। आजादी
के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये तीसरा सोपान जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सभी कॉलेजों के उप प्रबंधक, कुछ कॉलेजों के जैसे माँ कुंती देवी, आचार्य रमाकांत और SBM फार्मेसी कॉलेज और SBM पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रबंधक के रूप में माननीय पुड़ांशु ओझा एवं श्यामू भैया और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं छात्र छात्राओं, मैं इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ उसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय है, उपयोगी है और इससे हम लोगों को बल मिलता है और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। माननीय प्रबंधक जी बाहर होने के कारण कार्यक्रम में तीनों कार्यक्रम में नहीं आ पाए, पूर्व में चुनाव की उसमें व्यस्त थे, इस समय भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी अपनी हलचल में वो बाहर होने के कारण एक भी कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हुए। ये भी मुझे लगता है कि गौरव का विषय है कि नहीं उपस्थित हुए, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम करना है, बड़े पदों पर है तो उनका बड़े कार्यक्रम में उपस्थिति मेरे लिए सौभाग्य होती। यह जो सोच रखी गई थी, एक दिन अचानक प्राचार्य जी और हम शिक्षा संकाय का कार्यक्रम चल रहा था उसमें मैंने देखा कि कॉलेज में जो गतिविधियां चल रही हैं तो आपस में दोनों लोगों ने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसा अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि महाविद्यालय बहुत दिनों से चल रहा है, यानी 2004 से स्थापित हुआ और 2022 चल रहा है। मान्यता का प्रकरण हो, छात्र का प्रवेश की संख्या का वितरण हो, विस्तरण कॉलेज का जो भी हो सकता था वो लगातार किया गया। अब ये अनुभूति हुई कि अब तक महाविद्यालय में हमने, ये बहुत बड़ी बात है, छोटे महाविद्यालय कोई भी खुलते हैं आप लोग देखते होंगे, उनका एक उद्घाटन होता है, उनका एक वार्षिकोत्सव होता है, किसी नेता को हर साल बुलाते हैं, लेकिन माननीय प्रबंधक जी ऑलरेडी सब में स्वयं में विद्यमान है, इसलिए अभी तक महाविद्यालय में कोई ऐसा नहीं कार्यक्रम किया गया जिसमें किसी को बुलाया गया। और अब मैं चाहूंगा कि वर्तमान समय में माननीय प्रबंधक जी और उनके बेटे पुड़ांशु जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे पदों पर आगे आसीन होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और चाहूंगा कि एक बड़ा कार्यक्रम जो अपने फील्ड में किया जाए, ऐतिहासिक किया जाए कि जिले में लगे कि यहाँ किसी कार्यक्रम को किया गया है और जो देश की महान विभूतियां हैं इस समय, चाहे पार्टी की हो या जिस रूप में हो या जो नेता हो, ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए कि महाविद्यालय का प्रांगण गौरवान्वित महसूस करे कि कोई नेता आया तो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता को हमने बुलाया यहाँ पे या प्रदेश का। और जो आज प्रस्तुति कला संकाय द्वारा की गई, डॉक्टर अंबिकेश जी और उनके सभी सहयोगी प्राध्यापक प्राध्यापिकाओं ने जो ये कार्यक्रम को एक रूप दिया, एक मंच पर उतारा गया, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जिस दिन विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुति की गई थी उस दिन निकलने के बाद मैंने अंबिकेश जी से कहा था नीचे कि अंबिकेश जी अब आपकी बारी है, तो अंबिकेश जी ने आश्वासन दिया था कि हम सब पर भारी रहेंगे, तो आप भारी हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। वैसे भी शरीर से भी भारी है, हर चीज में भारी है, विभाग में भारी है, संख्या में भारी है, सब में भारी है, इसलिए आगे आप भारी रहेंगे, अब हम आपके आभारी रहेंगे। अभी 4-5 दिन पहले माननीय प्रबंधक जी बैठे हुए थे,
प्राचार्य थे, मैं भी था। तो जो ये सभागार में आयोजन किया जा रहा है, कॉलेज के हिसाब से, महाविद्यालय को जो उच्च शिखर है उस हिसाब से ये छोटा पड़ता है, क्योंकि कला संकाय अकेले के ही छात्र छात्रा नहीं आ सकते। इसमें कुछ लोगों को बुलाया जाता है। तो अभी प्रबंधक जी से अनुमति चर्चा की गई कि एक ऑडिटोरियम बड़ा बनाया जाए, जो जिले में कम से कम ये नाम रोशन करे कि ऑडिटोरियम जैसा लगे। तो माननीय प्रबंधक जी ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग इंजीनियर से नक्शा बनवा के, जो पीछे फील्ड में एक बड़ा सा हॉल है जिसकी एक दीवार डैमेज हो गई थी, कहा कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनाइए, 2 मंजिल का बनाइए, एक दर्शक दीर्घा हो, एक नीचे की दीर्घा हो, जितना अच्छा बन सके वो बनाइए। उन्होंने पूरी स्वीकृति दी है। अब उस दिशा में हम लोगों को मिलकर उस पर काम करना है और वार्षिक कार्यक्रम जो है वो फील्ड में खुले मंच पर होगा। लेकिन जो भी कार्यक्रम हो वो हाल जल्दी ही, मुझे उम्मीद है 2023 तक बन के तैयार हो जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आधुनिकतम बनेगा, ये जो साउंड का मैटर है, लाइट का मैटर है, ये सब सुविधाएं परिपूर्ण होंगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि वो प्रबंधक भी या श्यामू भैया भी स्वयं एक नवयुवा और आगे की पीढ़ी को चलाने वाले, आगे की पीढ़ी ले जाने के लिए वो है। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उस कार्य को, जब ऑडिटोरियम बने तो उसमें कहीं से ये ना देखा जाए कि इसमें ज़्यादा खर्च है, उसको आधुनिकतम तरीके से वेल अप टू डेट किया जाए कि महाविद्यालय या कोई भी कार्यक्रम, कोई शासकीय कार्यक्रम भी होता है, उसको लगे कि ऑडिटोरियम कॉलेज का बना हुआ है। क्योंकि महाविद्यालय अपने चरम शिखर पर है। और एक बात कहना चाहूँगा कि 12 तारीख से परीक्षाएं सेमेस्टर की लगी हुई हैं, उस दृष्टि से महाविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्राओं को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर कल परीक्षा मीटिंग थी जिसमें प्राचार्य जी और मैं सम्मिलित हुआ था। बीसी साहब का साफ निर्देश था कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए और उन्होंने पूरा संकल्प लिया है किसी भी तरह से इसको आयोजन करना है। तो इसलिए हम लोगों का भी कर्तव्य है कि परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए सब एकजुट रहे। अंत में मैं श्यामू भैया को एवं प्राचार्य जी को, समस्त छात्राओं को, प्राध्यापक प्राध्यापकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया। इसके लिए मैं SBM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के तरफ से, निदेशक की तरफ से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगली कड़ी में मैं अपने ही द्वारा माननीय उपप्रबंधक श्यामू भैया को चाहूँगा कि छात्र छात्राओं को और हम लोगों को आशीर्वचन दें। माननीय श्यामू भैया पूरा भैया गायकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि अपना निर्णय सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर संदीप मिश्रा जी, श्री अम्बिकेश जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह जी, कला संकाय के श्री अम्बिकेश जी एवं समस्त अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, मुझे बताया गया कल कि कला संकाय का और बिलिप एमलिप का एक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रहना है। इसके पहले भी संभवतः 2 कार्यक्रम हुए, जैसा संदीप जी ने बताया, कुछ हम लोगों की अपनी राजनीतिक व्यस्तताएं थी जिसके चलते हम लोग उस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं थे।
लेकिन कल जब मुझे इस कार्यक्रम का अवसर मिला और मुझे डॉक्टर मुकेश जी ने कहा कि आपको मुख्य अतिथि के रूप में रहना है, तो मेरी रुचि इस कार्यक्रम में इस वजह से थी क्योंकि पिछले कई वर्षों से मेरे मन में यह था कि इतना बड़ा महाविद्यालय परिवार हमारा है, इतनी कक्षाएं संचालित होती हैं, इतने कोर्सेज हमारे पास हैं, और संभवतः मुझे लगता है कि शायद प्रतापगढ़ के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज के रूप में हम लोग स्थापित भी हो चुके हैं। तो ये कार्यक्रम मेरे मन में काफी दिनों से चल रहा था, ऑन एंड ऑफ कभी कभी चर्चा भी हुआ करती थी, कभी पिताजी के मन में भी चर्चा हुई, कभी नहीं हुई, ऐसे करके कभी समय मिला कभी इस पर चर्चा नहीं हुई, ऐसी बातें हुआ करती थी। और अब जबकि ये चर्चा अपना मूर्त रूप ले रही है, तो मुझे जब इस कार्यक्रम में बुलाया गया तो मैं ये सिर्फ उत्सुकतावश इस कार्यक्रम में आना चाहता था और ये मैं देखना चाहता था कि कला संकाय और बीली बम्बी के लोगों ने इसमें कितना काम किया है और किस स्तर का प्रेजेंटेशन, किस स्तर की प्रस्तुति आप कर सकते हैं। फौरी तौर पर ही मेरे ख्याल से शायद पहला कार्यक्रम होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, और मैं ये देखना चाहता था कि आपका स्टैंडर्ड, आपने कितनी कितनी कोशिश की है, आपने कितना प्रयास किया है। मैं पिछले दो कार्यक्रमों में नहीं रहा, मैं पिछले दो कार्यक्रमों में तो नहीं था, लेकिन आज मैं जिस कार्यक्रम में आया, मैं करीब 12 बजे आया, मुझे करीब 10:30 बजे ही आना था, लेकिन एक सज्जन हमारे घर पे आ गए थे जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। और मैं 12 बजे से लेकर जब भी मैं इस कार्यक्रम में बैठा रहा, मैंने देखा और बीच में जो कुछ कमियां मुझे महसूस हुई वो मैंने अपने बगल में डॉक्टर संदीप जी से भी, डॉक्टर अमित जी से भी, डॉक्टर मुकेश जी से भी मैंने कहा। एक तो मैं कहना चाहूंगा इस सार्वजनिक मंच से भी, मैं आपको कह दूं कला संकाय के लोग भी बैठे हैं और बिली एमलिक के भी संकाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो जो संगीत का, जो वादन का जो प्रेजेंटेशन रहा, मुझे लगता है कि वो शायद और अच्छा होना चाहिए था। अभी बहुत, क्योंकि अभी छोटे स्तर पर ही ये कार्यक्रम है, ये मेरा सुझाव है कि आगे भविष्य में जो भी हो, जो संगीत का, जो वादन का, जो आपका जो डिपार्टमेंट है, इसको और बेहतर होने की जरूरत है। मुझे, मैंने देखा कई बार वो बिटिया, वो लड़की गा कुछ और रही थी, बज कुछ और रहा था। और जो भी साउंड सिस्टम के लिए कहा गया, मुझे लगता है कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो जोरदार साउंड सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों, मैं भी पढ़ा लिखा इंजीनियर रहा, अपने कॉलेज में हम लोगों ने भी प्रेजेंटेशन आप ऐसे कार्यक्रमों को देखा है, शानदार साउंड सिस्टम की व्यवस्था हो। और अब आप चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट के 2-3 सिलेक्टेड जो भी अच्छे हो सकते हैं उसको छांटने की जरूरत है। यहाँ पे सारे अध्यापक अध्यापिकाएं भी बैठी हैं, जो अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं या जिसकी प्रस्तुति अच्छी रही है, मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट के कार्यक्रमों को उनमें सम्मिलित किया जाए और एक ऐसे शानदार एनुअल फंक्शन की शुरुआत किया जाए सरस्वती महाविद्यालय प्रांगण में। मुझे लगता है कि जो वो एक ऐसा कार्यक्रम आप प्रस्तुत करिए, उसमें मेरी पूरी सहभागिता होगी, माननीय मंत्री जी की भी पूरी सहभागिता होगी, जितना आप हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग समय देने का प्रयास करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि वो कार्यक्रम इतने शानदार लेवल पे हो कि पूरे प्रतापगढ़ में ये मैसेज जाए कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम डिग्री कॉलेज सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ है और उसकी चर्चा पूरे प्रतापगढ़ में हो। वो स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, उसके लिए जो भी हो सकता है, संदीप जी ने कहा, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई थी और उसके लिए मुझे, मेरी भी बात में चर्चा हुई उनसे, जो बिल्डिंग जिसकी एक दीवार पिछले 2-3 साल पहले गिर गई थी, उसको ऑडिटोरियम के रूप में कन्वर्ट करने की बात हुई है, एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, उसका अच्छे से नक्शा पास कराकर उसको अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जो आज कार्यक्रम किया बच्चों ने, मुझे कुछ कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगे और 2-3 प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि शायद इसको और निखारने की जरूरत है, ताकि जब अगर बड़ा एनुअल फंक्शन होगा, जब बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जब उसमें बड़े अच्छे अतिथियों को बुलाए जाने की व्यवस्था होगी, बड़े विशिष्ट अतिथियों को बुलाए जाने की व्यवस्था होगी, तो मुझे लगता है कि कॉलेज अपना ये महाविद्यालय प्रांगण एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे, ताकि लोगों में संदेश जाए कि जैसा हमने शिक्षा के रूप में अग्रणी व्यवस्था दी है, वैसे जब हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रणी व्यवस्था दी है। मुझे लगता है कि ऐसा करने की क्षमता भी हमारे अंदर है, वो कुवत भी हमारे अंदर है, वो संसार
साधन भी हमारे हमारे पास है और वो क्षमता वो टैलेंट हमारे बच्चों में भी है, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं में भी है। एक स्तरीय कार्यक्रम हम लोग करा सकते हैं। मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे भी हुए हैं, मुझे लगता है कि 2-3 भाषण हो भी चुके और अब नाश्ते पानी का आपका टाइम भी है। कभी फिर से अवसर मिलेगा, अभी बहुत सारे कार्यक्रम बीच में होंगे, आपके बीच में बोलने का आपके बीच में आने का अवसर लगातार मिलता रहेगा। मैं पुनः इस महाविद्यालय परिवार के खासकर जिस संकाय के लिए मुझे बुलाया गया है इस कार्यक्रम में, उसको शुभकामना देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ। और ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्यक्रम कराएं उसमें से 2-3 कार्यक्रम, हर कार्यक्रमों में से 2-3 कार्यक्रम ऐसे छांटे जाएं जो अच्छा प्रेजेंटेशन हो, जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी हो, जो लोगों को अपील करता हो, और उसको और कितना बेहतर किया जा सकता है उस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। बाकी जो अरेंजमेंट की आवश्यकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको देने में महाविद्यालय परिवार पीछे नहीं रहेगा। मैं आपके विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप सबको, इस महाविद्यालय परिवार को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार सुधार करते रहिए और लगातार नई शिखर पे जाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। हेलो, अब मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी की को सादर आहूत करता हूँ कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। ये हमारे महाविद्यालय के लिए गौरवास्पद क्षण है। निश्चित रूप से आदरणीय दुर्गेश जी और हम सभी लोग मिल करके, जैसा कि आदरणीय श्यामू भैया ने कहा है, जो बेहतर कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थी उनका एक पूल तैयार कर लिया जाए, रजिस्टर में नाम और मोबाइल नंबर लिख लिया जाए और उनकी उचित देख रेख करके कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए। मैं अब प्राचार्य जी से आप लोगों को सीधे जोड़ना चाहता हूँ, इसके बाद जलपान होगा राष्ट्रगान के उपरांत। आज राष्ट्रीय आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय के उप प्रबंधक, हम लोग इसको कंपटीशन न करके प्रतिभा खोज के नाम से हम लोग किए थे कार्यक्रम और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा कि हम लोगों को विश्वास था कि ऐसे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग देखे नहीं थे। बहुत ही अद्भुत उन लोगों का प्रोग्राम रहा और अपने प्रबंधक जी को बताना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी कार्यक्रम संकाय वाइज कराया गया था उसमें 1st, 2nd, 3rd का चुनाव हुआ था और उन्हीं को छांट के हम लोग जो मेन कार्यक्रम कराया जाएगा एनुअल स्पोर्ट्स वार्षिकोत्सव उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जितने बच्चे हैं वो लोग भी रहेंगे। और महाविद्यालय के द्वारा प्रमाण पत्र भी बनवाया गया है, उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में अपना डंका बचा चुके थे, संख्या के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय में अपना अहम रोल है, मेडल भी खेल में स्पोर्ट्स में भी हम लोग 45 पाए थे और शिक्षा के क्षेत्र में 19 पाए थे। थोड़ा सा हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीछे थे, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सबसे पहले आज इस कला संकाय के संयोजक अंबिकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके पूरी टीम को, जिन लोगों ने मिल के बहुत ही अच्छा भारतीय संस्कृति को देखते हुए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराए। संघ का बाकी बहुत चीज़ें थी जिनको सबसे हम लोगों ने सराहा कि बहुत अच्छा कराया गया है और हमको जिम्मेदारी दी गई है अब जो आज का प्रोग्राम है उसका रिजल्ट का। गीत में सबसे पहले जो प्रथम स्थान पाए हैं ओरी चिरैया करण कौशल, जो प्रथम स्थान पाए हैं। द्वितीय स्थान पाए हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली सुरुचि सुनिधि को। तृतीय संयुक्त है, उसमें दो ग्रुप ने पाया है पहला थर्ड स्थान पे। पहला है चिट्ठी आई है विजय विश्वकर्मा, दूसरा गुरु को डाल से देखा निधि मिश्रा, ये थर्ड गीत का। इसके बाद दूसरा ग्रुप था नृत्य, नृत्य में प्रथम स्थान पाए हैं ओरी सखी,
इसमें दो लोग प्रथम स्थान पाए हैं, सुरिधि और सुनिची है, और इसमें दूसरा है होली। होली का जो कार्यक्रम आखिरी में कराया गया था वो भी प्रथम स्थान पाया है। दूसरा पाया है मेरी ढोली श्रेया तिवारी, द्वितीय स्थान पाए हैं। तृतीय स्थान पाए हैं घर मोरे परदेसिया, इसके दिव्या शुक्ला शिवानी मधु आदि लोग जो लोग थे ये अतिथि हैं। बासर में प्रथम स्थान पाए थे पूजा श्रीवास्तव, द्वितीय स्थान पाई थी पाती कविता यादव, तृतीय स्थान रश्मि वर्मा। आखिरी नाटक का था जिसमें बहुत ही अच्छा इन लोगों ने नाटक किया था। प्रथम दो नाटक को दिया गया प्रथम स्थान। पहला है करिश्मा नई युग का आकांक्षा सिमरन, दूसरा है नारी सशक्तिकरण में जो पार्टिसिपेट के दोनों लोग प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान कव्वाली को दिया गया है, तृतीय स्थान कन्या भ्रूण वाले को दिया गया है। ये आज का रिजल्ट रहा। आखिरी में सब हमारे महाविद्यालय के व्यस्ततम समय में प्रबंधक जी ने, उप प्रबंधक श्यामू भैया जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, कोई भी समस्या होती आप लोग देखे भी जो समस्याएं थोड़ी बहुत थी, कहीं ना कहीं दो प्रोग्राम में हम लोगों ने बुलाया था, हम लोगों का अभिभावक के रूप में दोनों लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला था। थोड़ा सा अगर और पहले मिली होती ऊर्जा तो ये लोग व्यस्त थे, उस समय चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, बुलाया भी गया था, नहीं आ पाए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो कमियां थी वो अगले के लिए स्वीकृत मिल चुकी है। प्रबंधक जी नहीं आए थे लेकिन हम लोगों ने चर्चा किया था, उन्होंने भी ऑडिटोरियम के लिए स्वीकृत दे दिया है। और हमको विश्वास है इंजीनियर बाहर से नहीं खोजना है, हमारे उप प्रबंधक जी खुद ही इंजीनियर है, तो अत्याधुनिक ही बनेगा, जैसे हम लोगों की जो भी आवश्यकता रहती है वो पूरा होता है। उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में अपने महाविद्यालय के अंबिकेश जी ने बताया कि कौन सा कार्य कठिन है, नहीं होता है उनके मार्ग। हम लोगों के निदेशक डॉक्टर संदीप मिश्रा जी जो बड़े भाई हर जगह रहते हैं, हर कार्य को कोई भी कठिन कार्य को संभव करने में उनको बहुत ही आराम से कर देते हैं, जिसकी बहुत से बच्चों की समस्याओं को भी निराकरण करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आज उनको बहुत ज़रूरी जगह जाना था, उनके रिलेशन में ही जहाँ मकान मालिक थे उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, लेकिन वो सुबह जाग के कहे नहीं, कार्यक्रम हम लोग कल ही चर्चा हो रही थी कि हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं तो उसमें रहना जरूरी है, वो भी अपना अमूल्य समय अपने महाविद्यालय को दिया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा कठिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं लोग, निर्णायक मंडल जिन्होंने ईमानदारी से जो हम लोग देख भी रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे, उनको दुख होगा कि नहीं हमको फर्स्ट सेकंड तक बहुत कठिन कंपटीशन था, उन लोगों ने तीन चार की पूरा समिति बनी हुई थी जिन्होंने संतुलन बना के फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पे बहुत बराबरी था उसको दो दो लोग को किया गया है, उन लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अच्छा निर्णय दिया। साथ में इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से सजाया संवारा उस पूरी समिति को भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त किया जाता है जो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना धैर्य का बिना नाश्ता पानी आ गया था लेकिन रोका इसलिए गया था कि हाँ भगदड़ मच जाएगी, तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त किया जा रहा है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बाड़ी को विराम करते हुए एक बार सबका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। हमें राष्ट्रगान के लिए बहन सुनिधि त्रिपाठी, बहन ग्रुपिंग कराना चाहते हैं भैया, एक साथ बुला दीजिए। विद्यार्थियों की इच्छा है कि आए हुए अतिथियों के साथ हम फोटोग्राफी कर